अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं UC4 के इलाके में, ढोक बटियाल का इलाका है और यहाँ पे जो अवामी मसाइल हैं, अवाम जो है ना उससे तंग आ चुके हैं। यहाँ पे बिजली का मसाइल है, यहाँ पे तारों का मसाइल जो है वो हैं, या पानी के और नालों के मसाइल हैं, बिजली की सीवरेज का निज़ाम जो है वो धर्म भरा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये शेख रशीद का इलाका है, यहाँ पे अक्सर जो है वो MNA शेख रशीद रह चुके हैं और दीगर सियासी कायदीन भी यहाँ पे मुंतखब होते रहे हैं, जिसमें राजा अल्ताफ़ साहब हैं, जिनमें चौधरी आबद साहब हैं, वो भी यहाँ पे कामयाब हुए हैं। लेकिन इस इलाके की जो पसमानगी है वो ताहाल अभी तक बरकरार है। आज हम मौजूद हैं यहाँ के सर्वे के लिए और हमारे साथ यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या मसाइल चल रहे हैं और किस किस्म की उनको जो मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आज तरवी साहब, बताइएगा कि आवाम में क्या मसाइल आपको यहाँ पे दरपेश हैं और किस जो सियासी हलका है यहाँ पे, ये हब है, यानी 55 का इलाका कभी हुआ करता था और यहाँ से MNAs और MPs जो हैं वो मुंतखब होते थे, लेकिन ये इलाका आज भी पसमानदा है, वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। सबसे पहले जी आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ रहे हैं और कवरेज कर रहे हैं हमारी। और मसाइल के हवाले से, वैसे तो महंगाई और दीगर मसाइल पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ पर बिलखसूस चोरी चिकारी राजधानी की जो है ना वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही है, सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और उसके बाद बिजली की लटकी हुई तारें, जो बच्चे भी उनको हाथ लगाते हैं और जनाजा गुजरना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके साथ तीसरा जो मसला है, ये हमारा ये बोरिंग रोड ढोक मटियाल का एरिया UC4 का, ये जो 4 नंबर सुई गैस की लाइन थी उसको हमने तरीके पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में 2 के साथ इसको टच करवाया था, तो काफ़ी हद तक ये चौक से ले कर पुल तक ये जो एरिया जो है ना, जहाँ पे गैस बिल्कुल नहीं थी, मैंने पिछले से पिछले सीजन 5 सुई गैस के सिलेंडर भरवाए थे और अब जो हमने टचिंग करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 की लाइन को 2 के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 70% मसला हल हो गया। अब बाकी रहा ये जो एक गली है, इसमें बहुत ज़्यादा मसला है गैस के हवाले से, वो यहाँ पे हमारे मकामी बंदे मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। चाचा दीप साहब हैं। चाचा साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पे अक्सर औकात जो गलियाँ बनी होती हैं उनको तोड़ दिया जाता है और गैस के नाम पे, बिजली के नाम पे, या फिर पानी के कनेक्शन के नाम पे दोबारा वो गलियाँ दोबारा नहीं बनती जब तक इलेक्शन नहीं आते, वजह क्या है? गलियाँ इसलिए नहीं बन तोड़ते, ये पहले की जो सी लाइनें बनी वो डक हुई हुई हैं, वो पहले ये ठीक करें तो उसके बाद ये काम चलेगा गैस का। उधर से गैस भी लीक है, नहीं है, वन वालों को करो वो भी नहीं आते, कहते जी गैस का मसला तुम्हारा है, स्विच गैस के दफ्तर जाओ। जब आप नहीं करोगे तो मीडिया पे तो आना ही पड़ेगा सारों के साथ साथ। अच्छा, बिजली की तारें जो लटकी हुई हैं उनसे कई अमवात भी हो चुकी हैं, वो तो आप वापडा गए वहाँ पे कोई कंप्लेंट की? वापडा वाले सुनते नहीं, बिल भेज देते हैं और करंट शॉर्ट सर्किट से कई बच्चे मर जाते हैं बीच में। कोई एहतजाज चला जी आपकी तरफ से? एहतजाज करते रहे, कोई सुनने वाला तो है ही नहीं अंदर, बस बिल आता है पानी का, या बिल आता है बिजली का, या बिल आता है गैस का, बाकी पूछने वाला कोई नहीं है, या गैस आती है या नहीं आती, ये किसी को कोई गरज नहीं है। ये हुक्मरान जो है तो बस अपनी कुर्सी के लिए पीछे लगे हुए, तो हमारे जो अवाम है इनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। मुनीर साहब, आप बताइएगा कि जो गलियां अक्सर औकात जो मुंतखब होके आते हैं, गलियां बनाते हैं, एक अच्छा बजट जो है उन गलियों पे लगता है, उसके बाद कोई कनेक्शन याद आ जाता है वापडा को या गैस वालों को, फिर वो गलियां उखाड़ी जाती हैं और वो गलियां ताहाल अगले इलेक्शन तक बनती नहीं है, तो नुकसान किसका है? सर डेफिनेटली इसमें जो नुकसान है वो तो अवाम का ही है, लेकिन आपने जो पहले जो सवाल पूछा कि इस इलाके को पसमानदा क्यों रखा गया, अगर आप थोड़ा सा गौर देखें, हमारे साथ दो कस्बे है, साथ डोक रहता है, साथ फिर विदाई है, वहाँ पे बैंक मौजूद हैं, वहाँ पे डाखाने मौजूद हैं, वहाँ पे सरकारी स्कूल मौजूद है, उस किस्म की कोई भी सहूलत यहाँ पे नहीं है। अगर आप वासा की बात करते हो तो वासा किसी का बिल आपके घर पे दे जाता है, ना उस पर आपका नाम मेंशन होता है, ना आपका एड्रेस मेंशन होता है, आपने वो जमा कराना है, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। ये याद आपके उसका है बिजली वालों का, अगर वो मीटर लगवाने जाओ तो सबसे पहले कहते पैसे कितने दोगे, तो मसाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंभीर है। सबसे जो मेन मसला यहाँ पे एजुकेशन के हैं, यहाँ पे बच्चों का सिर्फ एक स्कूल है लोकोशर, कोई यहाँ पे सरकारी स्कूल, वो स्कूल जो है किस दौर में बना था? वो तो बाबा काज आजम के दौर से जो है ना, किसी जमाने में जिसको कहा जाता है और नाचगर के जमाने में वो नाचगर 1855 में शायद वो तामीर, बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने में वो नाचगर था, बाद में वो स्कूल कन्वर्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे कोई स्कूल नहीं बना। साथ रेलवे हॉस्पिटल है जो दिखाई देने के लिए, लोगों की फलाह के लिए, लेकिन उल्टा लोगों की चमड़ी उतर जाती है,
जब भी आप जाते हो 500,000 रुपए फीस, 1400 रुपए कंसल्टेशन फीस हो जाती है ना। तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे डिस्पेंसरी है, ना यहाँ पे स्कूल है, ना यहाँ पे बिजली का जो निजाम है वो कोई प्रॉपर है, वो ही पुरानी लटक। सब एक तो काफ लीग में जब मुशर्रफ साहब थे उस वक्त एक बार कॉलेज तो बना था, वो एक कॉलेज जो है ना वो शेख रशीद के दौर में जो है ना वो उन्होंने बनाया था यहाँ पे, ठीक है, वो भी उसी स्कूल को उन्होंने अपग्रेड किया था और लड़कियों के कॉलेज बने जो जिससे यहाँ पे जो है ना लड़कियों के लिए बहुत सहूलत हो गई है। देखो जो अच्छा काम है वो अच्छा काम है, ठीक है, लेकिन मेन यहाँ पे सेहत का, सफाई का, और दूसरी बात लोगों की हालत इतनी खराब हुआ है कि ढक्कन तक चोरी हो जाते हैं, गटर के ढक्कन तक चोरी हो जाते हैं, पर नालों के जो पाइप है वो चोरी हो जाते हैं। अगर आप थाने जाओ कंप्लेन करने तो वहाँ पर पता क्या हो, उनका जवाब क्या होता है कि आपने हमें इत्तला दे दी है बस, ठीक है, आपका शुक्रिया, नो FIR, ठीक है, FIR को तो अच्छा अक्सर मैं यहाँ से हम गुजरते हैं और यहाँ पे पिकट लगी हुई है कब्रिस्तान के पास, पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनका काम क्या है? देखो उनका जो उनका मार लूट काम है और क्या काम है उनका, हम उनके पास जाते हैं, उनके अंदर चोर पकड़ो बाद में हमको बताओ, हमसे आप चोर पकड़े उसके बाद हमें बताए, पुलिस का क्या काम है? बस बोलो का यही काम है ना कि भाई चोर पकड़ो, जो डाकू जो पकड़ो उनको फिर हमें बताओगे। सर सीवरेज का क्या निजाम है जी आपकी? सीवरेज, आप सीवरेज से मुतमईन है अपने इलाके के? यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ पे गलियां हैं, बदबू है, उसके साथ बीमारी वबा फैलती है, वहाँ पे कोई खास निजाम नहीं है, सीवरेज का खास निजाम नहीं है, और पानी का भी जो पीने का पानी है, ये जो लाइनों का पानी है ये लोग पीते नहीं है, इसमें भी वो पानी गंदा आता है, साफ पानी नहीं आता, पीने वाला पानी नहीं आता। पिछले सियासी अदवार में क्या आपके यहाँ भी फिल्ट्रेशन प्लांट ही लगे? जो प्लांट लगे हैं वो चल ही नहीं रहे, उसमें पानी मिलता ही नहीं है, ये एक टैंकी के पास प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे भी पानी मिलता नहीं, वो प्लांट भी खराब है, तो पानी का इंतजाम नहीं है। सब कितने प्लांट लगे हैं यहाँ पे सियासी दौर में? सब ये कि प्लांट लगा हुआ है, वो रेलवे जो टैंकी बनी है उसके साथ एक लगा हुआ है, वही एक पानी सप्लाई कर रहा है, बाकी कोई यहाँ पे फिल्टर प्लांट नहीं है, सीवरेज का सिस्टम तो बिल्कुल है ही नहीं है, खास तौर पे कुछ जान पाता है, छोटी गलियां है वो ओपन गटर सिस्टम है, बस इसी तरह चल रहा है, तो क्या बिलों में सीवरेज का बिल भी आ रहा है, लेकिन हमारे पास सीवरेज का यहाँ पे इंतजाम है ही कोई नहीं है, मेन जो बड़ी बड़ी गलियां है उसमें एक दो में है सीवरेज, बाकी छोटी गलियों में किसी में भी सीवरेज नहीं है, लेकिन बिल में सीवरेज आ रहा है। जो आपके सीवरेज अगर नहीं है तो जो सरकारी पानी आपको मिल रहा है ये पानी ठीक है पीने के लिए? सरकार पानी तो है ही नहीं है ना, पीने का पानी पूरी खास तौर पे जो गलियां जो छोटी गलियां हैं इनमें तो पीने का पानी है ही नहीं है, सिर्फ डैम का पानी हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो पीने का पानी है वो इसी तरह ही है कि फिल्टर प्लांट से भरते हैं, किसी के घर अगर बोर हुआ है तो वहाँ से भरते हैं, पीने का पानी तो है ही नहीं। तरवी साहब कितनी आबादी है इस इलाके की? तकरीबन ये 60,000 से 70,000 की आबादी है, और यूनियन काउंसिल भी जो है ना ये एरिया 4 का है लेकिन यूनियन काउंसिल 5 के हदूद में आती है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे ना कोई बैंक है ना डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी अगर है भी है लेकिन उसमें सहूलियात नहीं है, इंजेक्शन नहीं मिलते, बाज़ अवकात डॉक्टर हज़रात कभी आते हैं कभी नहीं आते। सियासी रहनुमाओं का क्या किरदार है जी यहाँ पे? सियासी रहनुमा क्या कर रहे हैं? सियासी रहनुमा सर जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सियासी रहनुमा आते हैं इसी तरह, आपने शुक्र है ये आए हैं, आपने ये आवाज़ उठाई है हमारी, यहाँ पे लोगों को आपने कन्वे किया है तो आपकी बड़ी मेहरबानी है आप आए हैं, बाकी यहाँ पे तो कोई सियासी रहनुमा जो भी आते हैं वो जलसे जुलूसों तक हद तक आते हैं, जब इलेक्शन होते हैं आते हैं, वैसे तो कोई भी नहीं आता, उसके बाद किसी ने नहीं पूछा कि आएंगे या नहीं आएंगे। पीपी 12 बनता है जी आपका? पीपी 16 हो गया आपने उसमें, अच्छा क्यों सहूलतों का फुकदान क्यों है जी? क्या सियासी रहनुमा नहीं काम कर रहे या आवाम जो है वो वोटे दे के भूल जाती है? सर काफी हद तक हम खुद लोग जिम्मेदार है इसके, वोट देकर हम समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब जो एक MPA मुंतखब होता है उसके नीचे अब इतना बड़ा इलाका होता है, ठीक है, शेख साहब यहाँ से हम वोट संभाले हैं उन्हीं को जीता देख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी एफर्ट उन्होंने भी की है, इंशाल्लाह करते भी रहेंगे, थोड़ा सा ये होता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी पता होना चाहिए, ठीक है जी, हम वोट देने के बाद समझते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, अब जो करना है इसी नहीं करना है, थोड़ा सा हमें भी अपनी इज्तमाइयत शो करनी चाहिए और बार बार अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। जी जी बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी, जब आप एक वोट दे रहे हैं वो आप खजाना पूरा दे रहे हैं अपना, अपनी पूरी ईमानदारी दे रहे हैं तो उससे भी आप कुछ वसूल तो करेंगे ना? बेशक करना भी चाहिए, ये हमारा हक है जी, यहाँ से ये कोई पेपर दे के तो नहीं गए, यहाँ से वोट लेकर गए और हमने वोट दिए हैं तो जीते हैं। MNA हजरात आते हैं इस इलाके में? जी मेरे ख्याल से काफी हद तक आते हैं, काफी हद तक आते हैं, MPA भी आते हैं और जितने हमारे माशाल्लाह हैं
वो सब रबते में है, लेकिन अब मसाइल का फुकदान आप खुद देख लें कि कितने बड़े, एक यूसी में पीने के लिए पानी नहीं है, फिर ऊपर लेवल पे चले जाएंगे, यहाँ सेहत की सहूलतें नहीं है, ठीक है, अब इंसुलिन दिया करते थे वो अपने दौर में हम हॉस्पिटलों में, अब इंसुलिन तक नहीं मिल रही है, 18 माह हो चुके हैं शुगर के मरीजों को इंसुलिन तक नहीं दी जा रही। अच्छा, पंजाब का जो मिनिस्टर है या जो भी है वजीर सेहत जो है, मेरी गुजारिश है खुदा रहा कुछ रहम करे इस बार। डेंगू वगैरह की टीमें आती हैं? जी डेंगू की टीमें आती हैं और अपना काम सही कर रही हैं। देखिए जी जी ठीक जी, पोलियो डेंगू दोनों अपना काम सही कर रही हैं। कौन पूछेगा जी अवामी नुमाइंदगान से कि काम क्यों नहीं हो रहे? अवामी नुमाइंदगान जो है हमारे जो MNAs हैं, ये वोटें लेने तक तो ठीक है, वोटें लेने के बाद जब मुंतखब हो जाते हैं ना उसके बाद फिर नजर नहीं आते। वोटें भी तो आप देते हैं? वोटें हम ही दे के, हम लोगों ने तो गलती की है। अब मैं कहता हूँ कि सियासी रहनुमाओं से हट के नाम अपनी जो मौजूदा जिंदगी है ना, अगर इसकी तरफ हम तवज्जो दिलाएं ना, तो हम लोगों को ना बिलों के मसाइल में इन लोगों ने इतना फंसा दिया। अब मेरी 18 से 22 हज़ार रुपया माना इनकम है, ठीक है, मैं 4 माह हो गया अपना बच्चा दाखिल करवाना चाह रहा हूँ, मगर मेरे इतने वसाइल नहीं हो रहे कि मैं बच्चे को दाखिल करवाऊँ। 88 हज़ार रुपये मेरे घर में बिल आया हुआ पड़ा हुआ बिजली का, ठीक है कि नहीं, गैस को तो एसी चलाते हैं जी, क्या करते हैं? मेरे घर में सिर्फ एक पंखा है और एक मोटर है और एक फ्रिज है और उसका 88 हज़ार रुपये बिल आया हुआ पड़ा हुआ। अब मुझे बताएं कि मैं चोरी करूँ या गवर्नमेंट के पास जाके खैरात मांग के उन्हीं को जमा कराऊँ, फिर उनको वापस भी करने हैं, मैं क्या करूँ, बच्चों की रोटी पूरी करूँ? हम लोगों में से कई तकरीबन 100 में से 95 लोग ऐसे हैं, अगर हम हमारे MNA की ना जो हमारे इलाके का MNA है उसकी पिक्चर लेकर दिखाएं ना, उनसे पूछें ये कौन है, तो उनको नहीं पता होगा ये कौन है, क्योंकि हमें नया आते ही नहीं है, सिर्फ वोटर तक दरवाजा खटखटाएंगे आके, बस उसके बाद कोई मसला नहीं हमारा उसल जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि हमारे अवाम के जिन लोगों ने हमें वोट दिए है उन लोगों के क्या क्या मसले हैं। वो भूखा मर रहा है, मेरे साथ अगर आप जाएं, आप जाकर देखें लोगों के घरों में खाने के लिए नहीं है, लोग बिलों के लिए पागल हुए हुए बैठे हैं, कोई कहता है मैं खुदकुशी कर लूँ, कोई कहता मैं चोरी करूँ, कोई कहता मैं बर्तन बेचूँ, लोग इस तरह के मसलों में घिरे हुए हैं। ज्यादातर तादाद इस इलाके में किन लोगों की है? अमीर रहते हैं यहाँ पे, गरीब रहते हैं, कौन सा तबका रहता है यहाँ पे? सर इसमें तो बहुत अमीर की तो छोड़े ना, इधर तो जो आया है जिसने लिया है, ठीक है ना, जिसको हमने वोट दिए है, जिसको हमने मुंतखब किया है, ठीक है, वो अपनी आजाइशों में लगा हुआ है, ठीक है ना, हम गरीबों की किसी को परवाह नहीं है। अच्छा जी, मोटर के बगैर पानी आते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये जो छोटी गली है यहाँ से आप रोड है, ये रोड से पांच के पीछे चले जाए मोटर से पानी खींच दे, जब जाहिर है मोटर से पानी खींचेंगे तो बिल तो आएगा। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बनाए ताकि पानी तो कम अज कम बुनियादी सहूलत है गरीब लोगों की, जो मुफ्त की सहूलत है वो मिलनी चाहिए, वो भी नहीं है, वो भी पानी मोटर से खींचते हैं, हालांकि पीने का तो है ही नहीं है, जो दूसरा डैम में लाता है वो भी मोटर से खींचना पड़ता है। नाजरीन, छोटी छोटी गलियां हैं इस इलाके की UC4 की और नालियां नहीं है बल्कि वो नाले बने हुए हैं, वहां से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है और बहुत लंबे लंबे कदम आपको उठाने पड़ते हैं वहाँ पे, इस तरह लगता है कि जैसे आप किसी नाले से गुजर रहे हैं छोटी छोटी नालियों होने के बाद। दूसरे नंबर मच्छरों की भरमार है यहाँ पे, सहूलियात का फुकदान है यहाँ पे, पानी जो है वो डैमों का आता है लेकिन साफ पानी नहीं है, बिजली के बिलों के लिए सारे लोग तड़प रहे हैं कि 86 हज़ार रुपये का एक गरीब बुजुर्ग जिसकी 18 हज़ार तनख्वाह है या 18 हज़ार रुपये उसकी इनकम है और 86 हज़ार रुपये उसकी जो बिल है वो आ रहा है, कहाँ से वो देगा? अच्छा, ये बताइए कि MNAs जो बहुत पॉलिसी मेकिंग होते हैं जी, जाके वाहनों में जाके पॉलिसी बनाते हैं आवाम के लिए, MPA की क्या जरूरत होती है आवामी हलकों में या नाजम ही काफ़ी है रहनुमाई के लिए, आवाम की रहनुमाई? देखिए जी, अब मसला ये है कि पहले MNAs जो है ना वो तो उन्होंने फोकस किया लाल हवेली वाले शेख साहब ने, हमें कॉलेजेस उन्होंने दे दिए, दीगर मसाइल पानी की टंकी वगैरह उन्होंने दे दिए, वो जहाँ तक ठीक है, लेकिन आगे जो अमला है ना वो सही काम नहीं करता। जिस तरह अभी भाई ने बताया है कि जो पानी है वो हम मोटरों के साथ खींच के, मोटरों के साथ पानी खींच के उसके बाद हमारी बिजली सर्व होती है और हमें बहुत लंबे लंबे बिल देने पड़ते हैं, और सबसे मेन मसला ये है कि जो पानी आ रहा है खास करके फिल्टराइजेशन का जो प्लांट लगा हुआ है उसमें भी गंदा पानी आता है, नालों का पानी आता है, कुछ सही साफ सफाई का जो है ना फुकदान है यहाँ पे। आपका नाम क्या जी? उमर, क्या करते हैं? रेड़ी चलाते, गाड़ी चलाते हैं, घर का रेड़ी चलाते हैं आप? अच्छा, तो के फ्रूट वगैरह लगाते हैं? सब्जी। सब्जी कितना बिल आया घर का? 10 हज़ार। 10 हज़ार रुपए। मकान अपने तो कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा कर रहे हैं, करते रहेंगे। वोट इस मरतबा संभल के देंगे, सोच के देंगे, वैसे ही दे देंगे? किसको भी नहीं देगा, किसी को भी नहीं देंगे। अच्छा,
इस कोर्ट का कोई पैदा ही नहीं है, कोर्ट के लिए कुछ ऐसा काबिल ही नहीं है। आप जी बिल्कुल क्या करेंगे? वोट देंगे। वोट देंगे किसको देंगे? बस आवाम है मेरे लिए। अच्छा आवाम में दे देंगे आप, किसी को भी दे देंगे? अपना मर्जी से देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, सोच समझ के देंगे कि आवाम के मसले हल करें। अगर अगर बिल आ गया ना मैं उचित पार देता। हाँ जी हमारे साथ स्टूडेंट भी खड़े हैं जी, इनसे पूछते हैं बेटा आपका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल खराब, बिल्कुल खराब है। नाइफ के पास जो 200 रुपया खाली कटिंग का लेकर दिया, 200 रुपया सिर्फ कटिंग का लिया है और आपने कटिंग कराई है। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? क्या आपके मसाइल क्या है इलाके के? यही पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, और क्या मसाइल? अच्छा बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, 43,000 रुपया एक महीने का बिल आया आपके घर का, 43,000 रुपया बिल आया। ऐवानों में बैठे हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस बच्चे की आवाज़ सुन ले कि पढ़ना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, लेकिन आवाम को धकेला जा रहा है कि आप खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएं, आपके घर का राशन बेशक खत्म हो जाए लेकिन आपने बिल देना है जो कि आपकी इस्तेदाद से बाहर है। आइए चलते हैं इनकी गलियां देखते हैं कि गलियों का क्या हाल है, जो तारे लटक रही हैं, जो नालों का हाल है वो भी देखते हैं हम, क्या उनकी सूरत हाल क्या है। नाज़रीन देखें इस वक्त जो तारे हैं वो किस तरह सरों के ऊपर बिल्कुल झुकी हुई हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम बच्चे जो हैं वो गली से गुजरते हैं, औरतें गुजरती हैं, जनाजा यहाँ से बड़ी मुश्किल से गुजरता है क्योंकि तारे बिल्कुल गली के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी हैं, नीचे आ चुकी हैं। और वावड़ा वालों को देखें कि ये जितने भी मीटर लगे हुए हैं मकानों के ऊपर ये बिल्कुल सरों को छू रहे हैं, खुदा ना खासा हाई वोल्टेज है यहाँ पे, अगर किसी का हाथ लगता है या सर लगता है तो नागहानी सूरत हाल यहाँ पे वाकया हो सकती है। बच्चों को देख लें, हाथ तक इस तारों तक पहुंचे, ये हाई वोल्टेज तारे हैं जो कि डायरेक्ट बिजली की तारों की जरिए यहाँ पे पहुंच रही है, मीटर तक आ रही है। ये नाज़रीन किसी भी गली में आप जाएंगे तो इन गलियों का हाल देखें, हर गली में तारे जो है वो सरों को छू रही है, हाथ लगते हैं उसमें और वो हाई वोल्टेज है। ये UC4 की गली नंबर 60 है जी, और यहाँ पे जो गैस का मसला है, यहाँ पे गैस नहीं आ रही, बहुत प्रॉब्लम है लोगों को खाने पकाने के लिए, जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे आवाम के साथ, जो हमारे साथ यहाँ के मकीन हैं वो मौजूद हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये पिछले दिनों ये लीक कर गया था इनका गैस, और अमले के अफराद आए, उन्होंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, मुकम्मल काम इसको नहीं किया, छोटी मशीन लेके आए। अब हुआ ये कि इसकी जो गैस है वो पाइप लाइनों तक घुस चुकी है, और वहाँ पर किसी वक्त भी खुदा न खास्ता कोई ब्लास्ट भी हो सकता है, नागहानी सूरत हाल जो है वो हो सकती है। और छोटी छोटी कंजेस्टेड किस्म की ये गलियां हैं जहाँ पे अगर खुदा ना खासा इस किस्म का नागहानी सूरत हाल पैदा होती है तो क्या बनेगा, कितनी अवात हो सकती है, अल्लाह ताला उस वक्त से बचाए। हम बात करेंगे इस गली के मकीन से, बताइए जी यहाँ पे क्या सूरत हाल है जी गैस की? ये साहब जी ये 2-3 साल हो गए ये मसला बना हुआ है, वो जुगाड़ लगा के चले जाते हैं, रबड़ शबड़ लपेड़ के ना वो ये बस जुगाड़ लगा के चले जाते हैं, ये पानी चला गया सब, ये गली में सब किसी की गैस नहीं आ रही, और इसमें पानी चला गया, मीटरों में भी पानी चला गया। क्यों, कैसे हुआ था ये? ये गल गया। अच्छा ये पैप टोटली गल गया, गल गया। और आपने दरख्वास्तें दी। अच्छा पता है क्या, ये मैं खुद प्लम्बर हूँ लेकिन ये नीचे वाला काम हम नहीं कर सकते ना, ठीक है, ये मीटर से आगे जो होता है वो नहीं, वैसे भी सरकारी काम है, सरकारी काम है ये, हम डालते हैं। अच्छा आपने दरख्वास्तें दी है इसके बारे में? बहुत ज्यादा, वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे, क्या वजह है? बस क्या पता अभी मुझे क्या पता। तो आपने जाके कहा है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे अगर कुछ बात हो जाए नागहानी सूरत हाल तो फिर क्या होगा? फोन भी हमने बहुत किए हैं उधर, बहुत ज्यादा चक्कर भी लगाए हैं, वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे। बस महकमा गैस थोड़ा सा तवज्जो करे जी, खुदा ना खास्ता यहाँ पे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये तयन करना बहुत जरूरी है। ये पानी ना, पानी की वजह से ये गला पैप। भाई तरवीर साहब आप क्या कहेंगे? जी असल में ये है कि सुई गैस वाले सालाना बेस पे रीहैपिंग का उनका एक प्रोजेक्ट होता है कि जो डैमेज लाइनें होती है ना तो वो तब्दील करते हैं, आजकल प्लास्टिक की लाइनें डाली जा रही हैं, पहले GI की यानी कि लोहे की लाइनें डालते थे। अब मसला ये है कि ये जो प्रोसेस है इनका, ये जो ईयरली बेस पे होता है सालाना बेस पे, ये बड़ा स्लो है। अभी डोकोसू में भी ये महकमा सुई गैस कर तो रहा है लेकिन बहुत स्लो तरीके से कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी एरियाज जो रह जाते हैं, और साल में अगर आज 5 या 10% करते हैं तो 90% जो एरिए जिस तरह ये अभी गली नंबर 60 मसाइल इसके बने हुए हैं, इसी तरह 90% जो गलियां रह जाती हैं, जो इलाके रह जाते हैं
तो महकमा सुई गैस से दरख्वास्त है कि जो आपका सालाना बेस पे रीहैपिंग का जो आप सिस्टम करते हैं, यानी कि दरख्वास्तें कर करके आप थक गए हैं, अहले इलाका जो है दरख्वास्तें कर करके इन मसले को उजागर कर चुके हैं, इसकी हसासियत का बता चुके हैं, तो अब क्या दरख्वास्तें करते रहेंगे या आप चूंकि आप पैसा दे रहे हैं, आप कंज्यूमर हैं, आप पैसा उनको पे कर रहे हैं, तो इनका तो काम मत तय करना। असल में पाकिस्तान में सिर्फ एक सुई गैस का महकमा ऐसा है कि जो किसी की बात नहीं सुनता। यहाँ अगर किसी बंदे का मीटर उतर के चला जाता है उसके लिए 3-4 महीने लगते हैं, तब जाके वो दोबारा रीइंस्टॉल होता है। एक और दूसरी बात ये है कि बाकी जो दीगर इदारे हैं वो अपने फास्ट ट्रैक पे काम कर लेते हैं वक्तन फवक्तन, लेकिन सुई गैस के जो मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा है और वो सुनते भी नहीं है। और सबसे मेन चीज है कि 2018 से अब तक जो उससे पीछे वाली जो लिस्टें उनके पास हैं उनके मीटर लग रहे हैं, अभी 5 साल से कोई एक सिंगल मीटर नहीं लगा। अच्छा, इस गली के अलावा गैस का और भी किसी का प्रॉब्लम है या सिर्फ यही पे है? ये पूरी गली में प्रॉब्लम है ना, पानी चला गया ना, मतलब सिर्फ गली नंबर 60 में? जी जी, गली नंबर 60 में पानी गया ना, तो गाड़ी काम करके चले गए, उन्होंने बड़ी मशीन लगाई है, वो कहते हैं यहाँ पे नहीं आती, छोटी मशीन नहीं लेके आए, वो उन्होंने झूठ बोल के कहते हैं हम छोटी मशीन भी साथ ही लेके गए, कोई मशीन नहीं आई। हमारा प्रॉब्लम आज 15 दिन हो गए, हम सिलेंडर बराबर गली में प्रॉब्लम। सर आपका नाम? वाजिद हुसैन। वाजिद भाई, छोटी छोटी गलियां हैं, मेरे ख्याल 5 से 6 फुट की गली नहीं होगी, यहाँ पे जनाजा कैसे जाता है? प्लस ये है जी कि अगर खुदा ना खासा ये गैस का मामला है, वो बड़ा हसास मामला है, अगर खुदा ना खासा कोई मिसहैप होता है तो उस सूरत में क्या होगा? यहाँ पे कितने मकान है यहाँ पे? वैसे सूरत में ये तकरीबन गली के हैं 8-10 घर, 8-10 घर, तो इसमें ब्लास्ट होगा और नुकसान सारा मतलब घरों को होगा। मैं गैस नहीं आती, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, मैं 60 साल से यहाँ मुकीम हूँ, लेकिन पिछले चंद सालों से बिल्कुल गैस का बहरान है, गैस नहीं आ रही और इतनी हमें दिक्कत। बिल आ रहे हैं? बिल लगातार आ रहे हैं, बिल में कोई वो नहीं है, गैस नहीं आ रही। और मैं लकड़ियां जला के चाय बना रहा था, मुझे चक्कर आया, मैं ऊपर गिरा उस आग के ऊपर और मेरा ये सारा जिस्म जल गया। लेकिन गैस वालों को कोई खुदा का खौफ नहीं है कि वो गैस भेजें, कम से कम जो गरीब आदमी है जो बिल देते हैं, कम से कम उन्हें 2 वक्त का खाना तो पकाना मुयसर हो ना, 2 वक्त का खाना नहीं बन सकता, बड़ी मुश्किल होती है, लकड़ियां इतनी महंगी है, बड़ी मुश्किल से जनाब आऊंगी। मैं रिटायर आदमी हूँ, ठीक है, मैं रिटायर हूँ और बड़ी मुश्किल से हम लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करके जनाब लेके आते हैं, फिर जला के उनको तो 1-2 वक्त का खाना पकाते हैं। महकमा गैस के जो करता धरता है, खुदा रहा इन बुजुर्ग को देख लें आप, इनकी हालत देख लें और इन इलाके अहले इलाका जो है उनके मसाइल देख लें, गैस के बारे में कुछ करें, कम से कम अपनी टीमों को यहाँ पे भेजें। सर्वेयर आप तनख्वाहें ले रहे हैं उस इसी चीज की, आपके सर्वेयर टीमें वहाँ पे मौजूद हैं, कम से कम इन इलाकों में आप भेजें। ये जदीद इलाके हैं सारे और कदीमी इलाके हैं, लेकिन वोटों की वजह से ये जदीद हैं, यहाँ से MNA और MPA हमारे ऐवानों तक पहुँचते हैं इन लोगों की वोटों की वजह से। जी यहाँ पे क्या मसाइल है जी गैस के? गैस आती नहीं है यहाँ पर, ये बड़ा मसला कि हर बंदे के घर में कोई लकड़ियाँ जला रहा है, कोई सिलेंडर लेकर आ रहा है, और सेवरेज का निज़ाम देख लो जिसमें से पानी नहीं निकलता, गैस के सारे पाइपों में पानी घुसा हुआ है। क्या वजह है जी, क्यों, क्या आपने शिकायतें नहीं की? 7200 दफा करके आए पर वहाँ पे वो करते ही नहीं, आगे स्याले चले जाओ, स्याले वाले कहते हैं उठा कर मरी रोड वाले के पास चले जाओ, बात सुनवाई है ही नहीं इनकी, बात सुनवाई नहीं। कब से हो रहा है ये, कब से गैस नहीं आ रही? 4 साल से ये काम चल रहा है, 3-4 साल से गैस ही नहीं आ रही। बिल आ रहे हैं जी? बिल आ रहे हैं पर छिकड़ी में लोगों ने लगाई हुई है और कुछ नहीं किया। छिकड़ी नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे अगर गैस नहीं आ रही? उन्होंने रोटी तो पकानी है, खाना तो खाना है यहाँ पे। अगर वही अगर बाबा आदम के दौर में हमने जाना है और लकड़ियाँ जलानी है तो फिर इस दौर का फायदा क्या है? इस दौर का क्या फायदा है, यहाँ ना गैस है ना बिजली है ना पानी आती है, अपने पूरे टाइम पे पानी आए तो रात 12 बजे तक बैठे देखते रहो। मतलब आप महकमे में जाते हैं, दरखास्त लेके जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं है? सुनवाई नहीं। सीवरेज का क्या निजाम है? सीवरेज का ये एक लाइन ऊपर है और एक लाइन नीचे है, जब भी गलियां बनती हैं तो एक साइड को बना के चले जाते हैं, दूसरी साइड की बनाती नहीं है। वो जब बारिशें यहाँ पे होती है फिर क्या सूरत होती है? फुट फुट पानी खड़ा हो जाता है आकर यहाँ पे, फुट फुट पानी हो जाता है। जनाजा इन गलियों से कैसे गुजरता है? तारों के साथ टकरा जाता है सारा, तारों के साथ हाथों में उठाकर लेके जाते हैं, लटका कर लेके जाते हैं आराम से। कल रात भी जनाजा हुआ यहाँ पे, जो घोड़े पे उठाना मुश्किल था, वहाँ से फिर नीचे कर लिया इन्होंने। मतलब आप यहाँ पे एक जनाजा हुआ था, रात को भी हुआ, अक्सर होता है कि जनाजे को हाथों में उठा के बाहर तक ले जाया जाता है, फिर
चारपाई पे या उस पे चारपाई लेके जाया जाता है। ये सूरत हाल है इन इलाकों की, इन गलियों की, क्योंकि तारे यहाँ पे लटकी हुई है और छोटी गलियां हैं। नाज़रीन से ढोक मटकार रेलवे वर्कशॉप रोड का जो इलाका है ये बिल्कुल रेलवे ग्राउंड के साथ मुतसिल है। यहाँ का रोड जो है खस्ता हाली का शिकार है और सद रात से यहाँ पे रोड जो है टूट फूट का शिकार है। और किसी वक्त में किसी बहुत पहले ये रोड बना था, लेकिन उसके बाद आज तक ये रोड जू का तू है, यहाँ पे खड़े बन चुके हैं। आने जाने वालों को इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बारिश के औकात में ये पूरा एक नाला बन जाता है, पूरा एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के रिहायशी मलक आसिफ साहब, इनसे पूछेंगे। मलक साहब फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल है इस रोड के बारे में, कोई वाली वाला सहन का? देखिए, ये जो रोड बना हुआ है, ये जिस वक्त इन्होंने इसको तोड़ा है, तोड़ के बनाने के लिए, उस वक्त ये बहुत अच्छा रोड था, बहुत अच्छा बना हुआ था और मेरा ख्याल है इस सारी बेल्ट में ये वाहिद रोड था जो सबसे अच्छा बना हुआ था। लेकिन इन्होंने इसको जान के तोड़ के जी दोबारा बना रहे हैं। जिस वक्त इन्होंने बनाया उस वक्त भी हमने इनको बताया है कि आप इसके दोनों साइड पर नाले बनाएं। जब तक इस पर नाले नहीं बनेंगे, इसके पानी का, सीवरेज का, पूरे रेलवे ग्राउंड का पानी इस रोड को टच करता है, जब तक वो अपने एक नाले में एक प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा, ये रोड खड़ा नहीं होगा। जिस वक्त उन्होंने बनाया है उस वक्त भी इनको सारी बात समझाई है कि इसको इस लेवल पर इसको थोड़ा उठा के बनाएँ और इस एंगल से बनाएँ। लेकिन चूँकि यहाँ पर जो यहाँ सियासी कायदीन थे या उनके आगे जो मातहत जिनके अंडर ये काम हो रहा था, उन सारों की मिली भगत थी इसमें, तो वो ना तो उन्होंने इसको उस वक्त प्रॉपर तरीके से बनाया और ना ही वो अब वो इसको कर रहे हैं। जितनी पार्टीज हैं, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, उन सारों को हम इन्फॉर्म कर चुके हैं कि यहाँ पे ये मसला है, इसको हल करें आप। लेकिन कोई बंदा इसका वारिस नहीं है। वोट लेने के लिए वो हमारे पास आते हैं, एजाज खान जाजी MPA, ये उसका हल्का आता है, ठीक है, उसका काम था कि वो इन चीज़ों को देखे, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने यहाँ से जीतने के बाद मुड़ के यहाँ देखा तक नहीं है कि यहाँ कोई इंसान रहते हैं या कोई जानवर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जिस वक्त इलेक्शन आएंगे तो हम भी अपने वोट MPA साहब की अगर बात की जाए, वो शाज़ो नाज़री नज़र आते हैं शायद ही, और जो सूरत हाल उनकी बनी हुई है वो तो अब नज़र ही नहीं आते। MNA साहब जो हैं, वो शेख रशीद साहब, वो भी काफ़ी खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं और गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और कई मरतबा वो MNA रहने के बावजूद भी इन रोडों का ये हाल है जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। ये रोड जिस वक्त इन्होंने तामीर करने की कोशिश की है, तो एक बोर्ड एजाज खान जाजी ने लगाया कि ये मैं बनवा रहा हूँ, और एक बोर्ड शेख रशीद साहब ने लगवाया कि ये मैं बनवा रहा हूँ। इधर ये उसका फीता काट रहे हैं और चंद कदम आगे दूसरी पार्टी उसका फीता काट, ठीक है। यानी कि एक दिन में MNA और MPA दोनों ने इसका इफ्तिताह किया है, और रोड आप देख लें कि रोड की ये हालत है। उनकी क्रेडिबिलिटी जो है MNA और MPA उन दोनों की आपके सामने। अच्छा मलक साहब, PTI की बात अपनी जगह पे है, क्योंकि PTI भी हुकूमत में रह चुकी है, उनके MLAs और MPAs भी काम कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले भी हुकूमतें थी, उस वक्त भी यही खस्ता हाली थी और उस वक्त भी यही सारा निज़ाम था, उस वक्त भी टूट फूट का शिकार था, गैस की सूरत हाल बुरी थी, बिजली की तारों की बुरी हाल थी, खस्ता हाली जो है वो कभी ख़त्म नहीं हुई। ये तो उस दौर में होता रहा है, करना क्या चाहिए इनको जब इकतदार में आते हैं, इनको करना क्या चाहिए, ये कोई भी पार्टी हो? देखिए, इनको इकतदार में ये जो वोटर्स हैं, ये सबसे पहले उनका काम है कि जिस वक्त कोई MNA MPA आपके पास को वोट लेने के लिए आता है, तो उसे आप मंजूर तो पूछे ना कि आपने क्या करना है कल यहाँ आके। आपने अगर ये हल करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि अपने वोट ज़ाया ही नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो इस वक्त फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा, ना MP लेवल पर और ना नेशनल लेवल पर, कि जो बंदा इन मामलों को हल कर सके। ये सारे इनको चाहिए बस ऐसे सपोर्टर इनको चाहिए जो इनको पॉलिश करते रहें, इनकी वाह करते रहें, इनको ऐसे लोग चाहिए, ये उनके लिए सियासत करते हैं, ये इधर मसाइल के लिए सियासत नहीं करते। मतलब सर, सदी कौन सी चल रही है और जो सूरत हाल चल रही है हमारी सहूलियात की और जो हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही है, क्या ये इस डिज़र्व करता है कि हमारा मुल्क इस सदी में भी इन सहूलियात से फुकदान में है? देखिए, बात यह है कि ये सबसे पहले तो ये हमारी बनाई ली है ना, जब तक हम खुद जो है वो इस चीज़ को नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, ना किसी अच्छे बंदे को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो ये मसाइल किस तरह से आते? अच्छा बंदा कौन है जी, कोई है नज़र में? मुझे तो इस वक्त कोई भी नज़र नहीं आता। ये जो पॉलिटिक्स इस वक्त जो चल रही है, जो नेशनल लेवल पे चल रही है या जो इस डोमेस्टिक लेवल पर चल रही है या UC लेवल पर चल रही है, मुझे तो सारे मुनाफिक ही नज़र आते हैं इसमें। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो काम करना जानता हूँ, बस सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों में आप देखेंगे सारे मसाइल उसी में आ रहे हैं,
व्हाट्सएप ग्रुपों में आप देखेंगे कि सारे मसाइल उसी में हल हो रहे हैं, उसी में सवाल हो रहा है, उसी में जवाब दिया जा रहा है। यानी कि जो मसला है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप बात करें, वो ग्रुप में उन्होंने हल कर देना है, मौके पे उन्होंने हल। मतलब साहब आपके तौर से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो हमारी नेशनल असम्बली है वहाँ पर तो एम एन ए की जरूरत है जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, एम पी ए क्या उनकी ज़रूरत है या सिर्फ एक यूजी नाजम ही हो और एम पी ए की सीढ़ी ख़त्म कर दी? देखिए बात यह है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो इंसान जो यहाँ के लोग हैं, जो अवाम हैं, उसको जो है वो सहूलत दे, उसका मदावा करे कि इस वक्त उस पर क्या गुजर रही है। ठीक है, यहाँ जितने पॉलिसी मेकर हैं वो पॉलिसीज अपने लिए बना रहे हैं, अवाम के लिए नहीं बना रहे, लोगों के लिए नहीं बना रहे, वो सिर्फ अपने लिए पॉलिसी बना रहे हैं। अगर कानून साजी कोई हो रही है वो भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो रही है। ठीक है, तो जब तक ये अवाम का नहीं सोचेंगे तो फिर अवाम को कम अज़ कम इस पर खड़ा होना चाहिए ना, इस पर स्टैंड लेना चाहिए, अवाम को बोलना चाहिए इस पर, कि जब तक वो इस चीज़ पर नहीं बात करेंगे तो ये किस तरह हल होगा वहाँ। भाई साहब आप यहाँ से गुजर रहे हैं, जो सूरत हाल है रोड की क्या गुजर सकते हैं आसानी से? नहीं साहब जी, अभी आप खुद देखें ये खड्डे हैं, माई बहनें इधर से गुजरती हैं, ये ठीक नहीं है, ये निज़ाम सेट होना चाहिए। देखें कोई भी औरत है या कोई, हम जा रहे हैं बाइक पे गिर जाए कुछ हो जाए हमको कौन उठाएगा? माँ बहन साथ और लोग तो हंसते हैं तमाशा देखते हैं, हमारे हुक्मरान हैं जो वो सीटों में बैठे हैं भाई, खा रहे हैं पी रहे हैं, गरीब आवाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। नाज़रीन देखें ये सूरत हाल है और बड़ी गंभीर सूरत हाल है यहाँ की, बड़ा मुश्किल काम है, लोगों का गुजरना बड़ा मुश्किल है और अक्सर औकात यहाँ पे गाड़ियाँ और रक्शे और जो ये देख लें, ये एक रक्शा शायद यहाँ पे बंद हो चुका है, फंस चुका है गरीब, और ये लोग इस देखें, आप लोग भी भाग के आ, ये देखें जी लोग इसको कवर करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, ये सूरत हाल है जी, ये सूरत हाल है। कम अज़ कम TMA को थोड़ा सा इस पर तवज्जो देनी चाहिए, प्लानिंग ऑफिसर को, कि वो रोड प्लानिंग करें इसको बनाने की जितनी जल्दी हो सकता है, वरना अवाम जो है वो इसी तरह ज़लील ख़ुआर होते रहेंगे।